साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच बुक ऑफ द डे में एक ऐसी किताब, एक ऐसी पत्रिका के संबंध में आप सभी को बताने वाली हूँ जो आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगा। जी हाँ साथियों, वह पत्रिका है योजना। वह पत्रिका है योजना। यदि आप इस पत्रिका का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लिखने की जो आपकी क्षमता है वह और आगे बढ़ेगा। जो सोचने की जो दृष्टि है वो आपकी बहुत ही धीरे धीरे निखरती जाएगी। और यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध लिखने में समस्या महसूस करते हैं तो बहुत हद तक आपकी वह समस्या दूर होगी। साथियों, यदि आपको निबंध में अच्छा नंबर लाना है तो अवश्य ही आपको योजना पत्रिका का अध्ययन करना होगा। योजना पत्रिका में किसी भी टॉपिक से संबंधित विभिन्न प्रकार के आप तथ्य देखेंगे। और ख़ास बात है कि उस पत्रिका में जिसके भी लेख प्रकाशित होते हैं उसकी जो भाषा शैली होती है, शब्द शैली होती है, कहाँ पर क्या शब्द आना चाहिए, किस तथ्यों को कैसे समायोजित करना चाहिए, वो अल्टीमेट होता है। यदि आप उसका अध्ययन करते हैं तो अपने आप आपके भीतर एक सुधार होगा और आप स्वयं ही नहीं समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आप में एक गुणात्मक सुधार हो गया है। साथियों, अवश्य ही आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो योजना पत्रिका का अध्ययन करें यदि आप निबंध में बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं। तो साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप योजना पत्रिका का गहन अध्ययन करेंगे। योजना पत्रिका का एक लाभ यह भी है कि यदि आप पत्रिका का अध्ययन करते हैं तो देश विदेश में भारत सरकार की योजनाओं से संबंधित जो कार्य किए जा रहे हैं उससे संबंधित सूचनाओं को भी आप प्राप्त करेंगे। जैसे नया भारत क्या है, तो नया भारत से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्य आप मात्र एक पत्रिका में पाएंगे। क्योंकि योजना पत्रिका की खास विशेषता है कि हर माह यह प्रकाशित होता है और यह विशेष टॉपिक पर आधारित होता है और जो भी इसके टिप्पणी होते हैं वो अल्टीमेट होते हैं। उसमें सारे कुछ योजनाओं के आंकड़े के कितने राजस्व उस पर व्यय किए जा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या सुधार अपेक्षित है, इन सभी तथ्यों को आप देखेंगे। यदि आप योजना पत्रिका का अध्ययन करते हैं तो न सिर्फ आप कॉम्पिटिशन परीक्षाओं में निबंध के पोर्शन को अच्छे से लिखते हैं बल्कि एक आप अपने अंदर अपने पर्सनैलिटी को निखारते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जितना ही आपके अंदर शब्द भंडार होता है, जितना ही आपके अंदर ज्ञान भंडार होता है, वैसे ही आपके पर्सनैलिटी में एक नया निखार आता है। क्योंकि शब्द भंडार, ज्ञान भंडार से आपके अनुभव में एक गुणात्मक परिवर्तन होता है। आपको एक जीने का मार्ग मिलता है कि हाँ, मुझे इस परिस्थिति में ये करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप किताब का अध्ययन करते हैं, पत्रिका का अध्ययन करते हैं, तो आपका जो विश्लेषणात्मक क्षमता होता है कि ऐसी परिस्थिति में क्या हमें करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या नहीं करना चाहिए, एक तरह से वो हमें मार्ग प्रदान करता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, और क्या हम करें कि हम और अपना विकास कर सकें। इन सभी चीज़ का लाभ हमें पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन से मिलता है। तो साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप एक बार अवश्य ही योजना पत्रिका का अध्ययन करेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा और दशा देंगे। तो इसी महत्वपूर्ण सूचना संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।